नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन दुबे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एचडीएफसी फास्टैग के डिटेल्स के बारे में। हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था एचडीएफसी फास्टैग घर बैठे कैसे मंगाना है। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो में कमेंट करके बताया कि उन्हें फास्टैग अप्लाई करने में काफी सारी दिक्कतों का सामना पड़ रहा है और बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी कंप्लेंट किया कि उन्हें फास्टैग अप्लाई करने के बाद फास्टैग का कोई भी स्टेटस नहीं मिल रहा है, ना तो कोई ट्रैकिंग डिटेल ना ही कुरियर डिटेल्स उनको मिल रहा है। किस तरीके से उन्हें कंप्लेन करके अपने ट्रैकिंग डिटेल्स को पता कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ऐसे ने कंप्लेंट किया है कि दोस्तों उनको पेमेंट उनके बैंक से कट गया है, उनको ट्रांजैक्शन नंबर नहीं मिला है, उनका कोई भी पेमेंट डिटेल्स नहीं मिला है, जिसकी वजह से दोस्तों वो काफी परेशान है। तो ऐसे में दोस्तों आपके फास्टैग के किसी भी समस्या का समाधान आप 48 घंटों के अंदर ग्रीवेंस के माध्यम से पा सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको इस वीडियो में कंप्लेंट करके कैसे कंप्लेंट किया जाता है, किस तरीके का कंप्लेंट आप करके आप फास्टैग के सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। साथ ही दोस्तों बहुत सारे लोगों ने यह भी कंप्लेंट किया था कि फास्टैग के स्टेटस को आप कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आपने फास्टैग अप्लाई कर दिया है, आपके बैंक से पैसे भी कट गए हैं और आपको एप्लीकेशन नंबर भी मिल गया है, ट्रैक कर सकते हैं फास्टैग आपका कहां पे पहुंचा है, किस तरीके का कुरियर डिटेल से आ रहा है, कौन सी कुरियर से आ रहा है, कब तक मिलेगा, सब कुछ डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके का इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गूगल पे आपको एचडीएफसी फास्टैग लिखकर सर्च करना है। एचडीएफसी फास्टैग लिखकर जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको एक लिंक दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने अभी एचडीएफसी फास्टैग गूगल पे लिख के सर्च किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एचडीएफसी का ऑफिशियल फास्टैग का जो ये लिंक है, यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जो भी आपने फास्टैग अप्लाई किया उसका स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन ट्रैक, ये वाले लिंक पे हम क्लिक कर देंगे। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं गूगल पे बहुत सारे लोग जो है अलग अलग तरीके से अपने फास्टैग के स्टेटस को जानने के लिए दोस्तों अलग अलग तरीके से सर्च कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इस लिंक के बारे में बताता हूँ। जैसे ही इस लिंक पे आपको क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फास्टैग एचडीएफसी का ये ऑफिशियल फास्टैग का डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन को एप्लीकेशन नंबर के द्वारा सर्च कर सकते हैं, या अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या गाड़ी का नंबर डालकर दोस्तों यहाँ पे अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सबसे बेस्ट ये है मोबाइल नंबर, कभी भी जब भी हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जरूर डालते हैं। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर आपको डालना है जो एप्लीकेशन के टाइम पे आपने मोबाइल नंबर डाला था। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी नीचे पूरा खाली है, कोई भी एप्लीकेशन स्टेटस डिटेल्स नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे ही दोस्तों हम मोबाइल नंबर अपना डालकर यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक किया यहाँ पे नीचे सारी डिटेल्स हमें दिखाई नहीं देने लगे। हमारा एप्लीकेशन नंबर हमें मालूम पड़ गया, एप्लीकेशन का डेट, हमने किस डेट को एप्लीकेशन दिया था, जो है एप्लीकेंट का नाम, एप्लीकेंट का लास्ट नंबर, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे दोस्तों ईमेल आईडी, और इसके बाद जो है आपका व्हीकल का नंबर, डिस्पैच डेट, किस तारीख को आपका जो है फास्टैग डिस्पैच किया गया है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। प्रोसेस का स्टेटस सक्सेसफुल है कि नहीं, डिक्लाइन किया गया है या पेमेंट फेल्ड है, यहाँ पे आपको जो भी स्टेटस रहेगा यहाँ पे आपको प्रोसेस स्टेटस में दिखाई देगा। वैलेट क्रिएट हुआ है कि नहीं, क्योंकि फास्टैग जब भी आप लेंगे तो वैलेट क्रिएट होता है, वैलेट क्रिएट हुआ है कि नहीं वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद रिमार्क अगर कोई भी रहेगा, कस्टमर का रिमार्क रहेगा या फास्टैग की तरफ से कोई भी रिमार्क रहेगा तो वो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। अगर आपने किस कुरियर से भेजा गया है तो आपको वो कुरियर का डिटेल्स, ट्रैकिंग नंबर, कुरियर का नाम, इसके बाद स्टेटस में कौन रिसीव किया है, अगर कोई समझो अगर आपके ना होने पे फैमिली में किसी ने फास्टैग को कुरियर से रिसीव किया तो उसका सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद कैसे फास्टैग को अप्लाई करना है, कैसे, सारा डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि फास्टैग का एप्लीकेशन स्टेटस हम कैसे चेक करें, हमारा अगर पेमेंट फेल्ड हो गया तो हम कैसे चेक करें। दूसरा ऑप्शन दोस्तों, अगर मोबाइल नंबर अगर आपका एक्टिव नहीं है तो आप अपने गाड़ी नंबर डालकर अपना जो एप्लीकेशन है स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने गाड़ी नंबर डाल दिया और यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाड़ी का सारा डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एचडीएफसी फास्टैग के ऑफिशियल वेबसाइट पे स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो आपको नीचे जो है यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोल फ्री नंबर है फास्टैग का। इस फास्टैग कॉल टोल फ्री नंबर पे हम कॉल करके आप अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक कर सकते हैं या किसी भी प्रकार का फास्टैग का जो भी प्रॉब्लम्स रहेगा यहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, ईमेल आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी एक टोल फ्री नंबर है और उसके बाद ग्रीवेंस कंप्लेंट का ईमेल आईडी है, आप लेवल 1 लेवल 2। तो लेवल 1 में अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो लेवल 2 में आप कंप्लेन करेंगे तो हायर अथॉरिटी को जाता है, हायर अथॉरिटी में जब भी आप क्लेम करते हैं या ग्रीवेंस कंप्लेंट करते हैं तो आपका प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्यूशन हो जाता है। कुछ इस तरीके से आप अपने फास्टैग के डिटेल्स को आप पाकर
आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी प्रश्न या सुझाव के लिए हमें कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।